तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए जोश के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ में। तो आपको जैसे पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बनाया था अपने बेसमेंट में एक ट्रेडिंग हॉल अपने घर के नीचे ही, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो अब मैंने कहा था आपसे कि हम जल्दी से नेदराइट आर्मर फुल बनाएंगे, उसकी वीडियो लाएंगे, तो आज वही टाइम है। तो चलते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई हम एंडर चेस्ट ले लेते हैं। ये है अपनी एंडर चेस्ट जो मैंने बना के यहाँ रख रखी है। ये मैंने खाली सी कर ली है, इसमें सामान था। और आज हम सबसे पहले आर्मर अपग्रेड लाएंगे गाइस। ये रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लिया है हमने, क्योंकि हमें आर्मर अपग्रेड लाना है, क्योंकि उसी से भाई नेदराइट आर्मर बनता है। पहले ऐसा नहीं था, सब नेदराइट इंगेट से बन जाता था, लेकिन अब नहीं होता है ऐसे ही। अब हमें आर्मर अपग्रेड लाना पड़ेगा गाइस। तो चलते हैं जल्दी से। हम आ चुके हैं नैदर में। ये अपने भाई थोड़ी सी जगह यहाँ पे ये सीढ़ी बना रखे, क्योंकि मैं नैदर में आता रहता हूँ पहले भी। देखो यहाँ पर कितने पिकलिंग्स हैं, मुझे लगा मुझ पर अटैक कर दे, इसलिए भाई यहाँ से चलना ही सही है अभी, क्योंकि अभी मैं बेफालतू की लड़ाई नहीं चाहता भाई। वैसे भी काफ़ी सारे पिकलिंग्स हैं यहाँ पर, और जो आर्मर अपग्रेड है ना भाई, वो एक मिनट इसको मारता हूँ पहले मैं। इससे भाई, इसे पता नहीं क्या चुन रहती है, क्या नाम है यार इसका, इस जो मॉब का। छोड़ भाई, इससे मैं नहीं लड़ रहा, डबल ट्रिपल होते चले जाते हैं गाइस। तो ये मैंने रास्ता पहले ही बना लिया है। एक बेस्टेन नाम की गाइस वो होता है टावर, बेस्टेन टावर, जैसे आपने सुना होगा रेड टावर होता है, क्या नाम है यार उसका, मुझे फोर्ट्रेस होता है गाइस, रेड फोर्ट्रेस। इस तरह से ये रहा भाई, आपको रेड फोर्ट्रेस दिख गया ना, ये मेरे को रेड फोर्ट्रेस मिला है ये यहाँ पे एक। ये भी भाई मैंने लूट लिया है। पूरा रास्ता मैंने पहले ही बना लिया, क्योंकि मैं ढूंढ चुका हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं पूरा ही ढूंढ चुका हूँ पहले ही। तो ये यहाँ पे भाई लाव ही लाव है पहले यार। ये शुअर से ना क्या कहते हैं गाइस, इनको पता नहीं, इनको मानना पड़ेगा हमें, नहीं तो भाई ये हमको मार देंगे। एक वो है, सिर्फ एक ब्लॉक का रास्ता है, और बाई चांस इन्होंने मुझे मार दिया तो मैं लावा में गया, मेरा आर्मर भी गया, मैं भी गया, क्योंकि मैं फायर पोशन नहीं लाया भाई, अपने साथ सीन हो जाएगा। इनको पहले मारना पड़ेगा, बोस को जल्दी से मार देते हैं। अबे मर जा भाई, एक रह रहा है अभी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मेरे को। इसको लगी नहीं है क्या, अभी भी नहीं लग रही भाई, लग तो गई। बेस्ट भाई गया, देख लो रेड बायोम सी भाई, यहाँ पर रेड से चीज है। तो जल्दी से चलते हैं, उस बायोम का नाम है भाई, बायोम नहीं फोर्ट्रेस का नाम है बेस्टिन। वो हर बायोम में मिल जाती है, सिर्फ वो जो वाइट सी बायोम होती है ना गाइस, हाँ वाइट सी, जहाँ हम पीछे से आए हैं उसमें नहीं मिलती। और गाइस यही है बेस्टिन फोर्ट्रेस जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं पहले आया हूँ, ये चेस्ट मैंने ही लगाई थी, क्योंकि मैंने ढूंढा था जब ये, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लूट वूट नहीं किए हैं। हाँ एक दो चेस्ट मैंने फाइंड कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। तो जल्दी से चलते हैं गाइस, हम मैं वो लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मारने पड़ सकते हैं। और यहाँ पे भाई गास्ट भी है भाई, ये यहाँ पे पिघली ना, ये हमें अभी कुछ कह नहीं रहा, तो इसे हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा बेफालतू, नहीं तो सब भाई एंग्री हो जाएंगे हम, तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे भाई। ये वाले बहुत ही गंदे तरीके से पीछे पड़ते हैं, आपको पता होगा अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो। भाई थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ पर यार मेरी दो चेस्ट थी, मेरे को मिल नहीं रही यार, किधर गई। ये वाला पत्थर भाई बढ़िया लग रहा है, इसे तोड़ के लिया हमने। यार मेरी दो चेस्ट थी, मैंने ध्यान है, क्योंकि जब मैं पहले आया था अभी दो चेस्ट थी मेरी यहीं पे। कोई लूट गया क्या यार इसको भाई, क्योंकि मैं सर्वर में खेलता हूँ, कोई लूट सकता है इसको। नहीं नहीं, आई थिंक मैं ऊपर था यार, ऊपर चला गया था मैं गलती से। यहाँ पे डर्ट लग रही है ना, और ये चेस्ट गई, चेस्ट भी मिल गई पहले, मैंने यहाँ पर आज तक ब्लॉक कर रखा है। और यहाँ पर भाई स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल गई है। अगर आपको नहीं पता स्मिथिंग टेम्पलेट का क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है जैसे आप अपने आर्मर पर अलग अलग तरीके का डिज़ाइन लगा सकते हो, ये सीन होता है स्मिथिंग टेम्पलेट का। ऐसे आर्मर अपग्रेड से आप अपना डायमंड के आर्मर को नेदराइट में चेंज कर सकते हो। पहले तो सिर्फ इंगेट से चेंज हो जाता था, लेकिन अब पहले जैसा सीन नहीं रहा है गाइस। अब हमें आर्मर अपग्रेड लाना पड़ता है यहाँ से, मतलब बेस्टिन फोर्ट्रेस से गाइस। इतना आसान नहीं रहा भाई नेदराइट आर्मर बनाना, तो भाई पावरफुल आर्मर तो आसान कहाँ से होगा। ये रहा भाई ये वाला प्लेजर तो नहीं, पिकलिन भाई मेरे को मारेगा ये, इसे मेरे को मारना पड़ेगा। पर अभी मैं इससे लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ पे भी आ रहा है तेरी बेस किया भाई, दो स्क्वाड में चला गया अपने नेदराइट की। पर आप कह रहे हो कि मैंने नेदराइट का आर्मर बना कैसे लिया जब मेरे को पास आर्मर की अपग्रेड नहीं हुआ। भाई मेरे दोस्त ने एक बेस्टिन पहले ही ढूंढ लिया था, तो उसका एक आर्मर अपग्रेड से हमने कई सारे बना सकते हैं डायमंड लगा के। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डायमंड यूज़ होता है इसमें, आपको ध्यान रखना होगा ये चीज़। यहाँ पर एक और चेस्ट है, यहाँ पर इतना सामान सामान। एक मिनट, कोई मार रहा है क्या? अबे रुक जा तू, रुक जा भाई, दोनों के दोनों इनको बो से मारूँगा भाई। बो भाई फायर लगा के लाया हूँ मैं भाई, फायर क्यों स्पॉन हो रही है? हाँ फायर लग रही है भाई, ऐसे छोटे फ्लेम लगा के आया हूँ मैं, फायर नहीं फ्लेम कहते हैं वैसे उसको, इंचारमेंट को।
इसमें तो हमने देख लिया है सामान, ये गोल्ड ब्लॉक्स बूट्स हैं और ये थोड़ा सा बढ़िया सा डिज़ाइन वाला ये बैनर है। अच्छा बैनर पैटर्न है भाई, इसको भी लेके चलते हैं, कभी काम आएगा क्योंकि पैटर्न बैनर पे अच्छा लगता है भाई। चलो जल्दी से चलते हैं, पहले इस सामान को रख के आते हैं भाई, क्योंकि और भाई अगर हमें आर्मर अपग्रेड ज़रूरी नहीं कि हमें यहाँ पर मिल ही जाए, क्योंकि ये भी भाई चार तरह की वेस्टेंस होती हैं, अगर मिल जाएगी तो भाई बहुत बढ़िया ही होगा यहीं पर। ये वाली है वही वाली जहाँ पे मिल जाता है आर्मर अपग्रेड ज़्यादातर, पहले इस गास्ट को मारना पड़ेगा भाई। ये गास्ट भाई वहाँ ही डोल रही है ब्रो, अबे मर जा, रुक जा रुक जा भाई, गई दूसरे भाई दूसरे एरो में गई, एक ही एरो में जा रहे हैं भाई, इतना बढ़िया अपने पास वो है ना, पूछो मत। हमें नीचे जाना होगा पहले यार, रास्ता सही से बना लेते हैं क्योंकि नीचे हमें जाना ही है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि आर्मर अपग्रेड सबसे नीचे ही मिलेगा, मतलब नीचे जहाँ गोल्ड सा लग रहा है ना भाई काफ़ी सारा, आपने देखा नहीं होगा शायद, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जल्दी से। पहले यहाँ पे कवर से बना लेते हैं कि बाई चांस कोई हमसे लड़ने आए तो हम पे प्रोटेक्शन के लिए जगह हो, मतलब एकदम आके बच सके और हमें आर पास जगह हो लड़ने के लिए। यहाँ पे यार और कोई चेस्ट तो दिख नहीं रही है, दो गाइस वो गोल्ड रहा वहाँ पे, वहाँ पे मिल सकता है, अगर आर्मर अपग्रेड मिला ना तो वहीं मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता फिर कहीं मिल पाएगा, मतलब और हमें वेस्टर्न ढूंढनी पड़ेंगी, पर अच्छा हो अगर यहीं मिल जाए तो। तो जल्दी से चलते हैं भाई, यहाँ पे कुछ है तो नहीं यार, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। एक मिनट यार, ऊपर का रास्ता सही करना पड़ेगा कि हम ऊपर को जा पाएंगे। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे एक कोल्स लगा देते हैं ब्लॉक आगे, अब हम सही से चढ़ पाएंगे भाई ऊपर, मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वहाँ पे हमें पहले यार इन सारे पिगलिंस को मारना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पिगलिंस को नहीं मारूंगा तो बाई चांस ही मेरे पर सारे एक साथ अटैक कर सकते हैं वहाँ पे, तो मुझे लगता है अपना रास्ता खाली करके जाने में ज़्यादा समझदारी है, नहीं तो पता चले मेरा आर्मर भी जाए। वैसे ही मैं फायर प्रोटेक्शन वाली वो नहीं लाया, क्या कहते हैं आज इंचानमेंट वाली बोतल। चलो छोड़ो गाइस, जल्दी से यहाँ से मैं रास्ता खाली करता हूँ ब्रो, यहाँ पे आगे कुछ हो सकता है, होगा तो ज़रूर, वो सामने पिगलिन था यार, है ना, पिगलिन था भाई एक था, कौन सा पिगलिन है देखते हैं। ओहो भाई आ गया बेस्ट क्या होगा भाई, अब भाई मर नहीं रहा भाई, कितनी शॉट बजा दिया मैंने इसमें भाई, कितने हार्ट कम कर दिया मेरे नेदरराइट आर्मर में भी, देख रहे हो भाई वुडन एक्स ज़्यादा तेज लगती है क्या। एक बंदा मेरे को शॉट से मारा था, उसमें भी इतनी पावर नहीं थी जितनी तेजी से मारा मेरे को, पता नहीं गाइस क्या ही सीन था। और कोई तो नहीं आ रहा क्या आसपास, ये दूसरे वाला तो नहीं मारेंगे कि अगर मैं इसको जब तक नहीं छेड़ूंगा, पर कभी कभी भाई ये पागल हो जाते हैं अपने आप, इनका भाई कुछ सीन नहीं है भाई। नीचे भाई एक हो रहा, उसे भी मारना है, अब मैं चला क्यों गया, अब मैंने तीर चला दिया, मतलब तीर वो पे चढ़ा लिया भाई, अब उतरता नहीं है भाई वो, मेरे को खाली चलाना पड़ेगा, एक सामने था वो भी रह गया गाइस। बढ़िया सो जगह है यहाँ पे, अब हमें आगे चलना पड़ेगा भाई, जगह तो भाई बढ़िया बनाई है कुछ भी, बढ़िया सी जगह है, देखते हैं, पर ख़तरनाक भी है गाइस, कहीं भी लावा है, कहीं भी गिर गए तो काम तमाम हो जाएगा, काफ़ी बड़ा है भाई ये टावर जो है, बेस्टिन टावर, हाँ बेस्टिन टावर कह रहा हूँ मैं इसको। इन बैगों को छोड़ कर देखते हैं, मेरे पास एक अलग इंचारमेंट वाली वो है एरोस, मुझे लगता है मैंने इन्फिनिटी लगाई है अपनी बो में, पर यार ये वाले यूज होते हैं ब्रो, इन्फिनिटी सिर्फ नॉर्मल उस पर चलती है, नॉर्मल एरोस पे। हाँ वो रहा सामने ही वो भाई, आगे बार बार चला जाता है, क्या सीन है यार इसका। यहाँ पे आगे ब्लॉक्स लगा के चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखते हैं, क्योंकि पता चले साइड से भी आ जाए भाई कोई, वो रहा सामने उसे मारना होगा। एक मिनट भाई आ जा, आगे भाई उधर चला गया भाई वो, उसको कैसे मारूंगा मैं, थोड़ा सा आ जाए, अब मैंने एयर उच्चा अपने बो पर लगा तो लिया, थोड़ा सा और आ जाए, लग गया भाई एक एयर, तो लगा नीचे गया शायद, हमें चलना पड़ेगा। आवाज़ तो भाई इतनी आ रही है ना पिगलिंस की भाई, मतलब अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे, उसे आगे जाके मार के देखता हूँ किधर है ये, नीचे गिर गया भाई वैसे तो, मेरे को थोड़ा रास्ता बनाना पड़ेगा, सेफ्टी ब्लॉक्स ख़त्म हो चुके हैं, उन्हें ले लेते हैं थोड़ा से, यहीं से जो ब्लॉक्स मिले हैं कोबल्ट स्टोन लाया हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि भाई जरूरत पड़ सकती है ब्रो, और जरूरत पड़ रही है, ये रहा भाई ये रहा, ये कहाँ से कहीं से आ तो नहीं रहा भाई, देखो सामने भी है, वहाँ पर भी मारने पड़ेंगे हमें, पहले यार इसको मारना है, पहले खाना खा लेते हैं थोड़ा सा, खाना तो खा लिया अब हमने, ये है किधर यार, ये चमक नहीं रहा, इसको मैं मारूँगा ऐसे, फिर दिख नहीं रहे, एक तो ये मेरे को किधर है, ये वो सामने है, उनको भी मारना होगा, अरे भाई चमक जब ब्रो किधर है, आई थिंक वो रहा भाई ये रहा, इसको एक मिनट एरो चलाएंगे थोड़ा सा, आजा बाहर, ये गया एक लगा, आई थिंक दूसरे एरो पे ख़त्म है भाई, ये दो है क्या शायद से, दो है भाई, दो हैं, एक तो गया, आजा भाई तू कहाँ अंदर जा रहा है, आजा, ठीक बेस की अंक, एक एरो और लगना है बेस, भाई नहीं हुआ, तीन एरो में जाएगा भाई, तीन में नहीं गया भाई, ये वुडन एक्स वाला भाई कुछ अलग ही पावर लेके घूम रहा है, पता नहीं क्या ही गोल्डन वुडन एक्स ले गया,
अलग पावर से आ जाती है इनके पास। यहाँ से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं रास्ता, बाई चांस नीचे नहीं गिर जाएं। आगे चलते हैं भाई, आगे भी हैं, आगे भी मेरे को मारने पड़ेंगे जॉम्बिस। नीचे भी क्या कुछ चेस्ट वेस्ट नहीं मिली यार, हमें दो ही चेस्ट मिली है अभी तक और कोई चेस्ट नहीं मिली है। हमें नीचे जाना होगा, चलते हैं यहीं से चलते हैं गाइस। आज बस यहाँ थोड़ा सा डैमेज मिला, कोई बात नहीं, अरे नहीं मिला यार, थोड़ा बहुत डैमेज नहीं मिला, कोई बात नहीं, बढ़िया ही है भाई। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी से, और वो गाइस सामने पिगलिंस, इनको अच्छा ही तो सही वाला, इसको मार देता अभी सीन हो जाता भाई, इनको मारते सारे पिगलिंस को, इनको रुक जाओ पहले, ये रहे सामने, इन्हें पता ही नहीं चल रहा भाई कहाँ से एरो आ रहे हैं, अभी लगा ही नहीं है किसी एक के भी। अगर लग जाए यार, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो रहा है क्या, एक को तो लगा लगा कि आई थिंक भाई, ये जो गोल्डन वाले यहाँ के अलग तरह की पिगलिंस है ना, जिनके भाई अलग सा आर्मर सा है, मतलब ड्रेस थी, वो भाई मरते नहीं भाई एक वो में, और जो नॉर्मल होते हैं भाई पिगलिन, एक ही वो में ख़त्म भाई कहानी, उनके किससे ही ख़त्म हो जाते हैं, यहीं पर सीन हो जाता है उनके साथ। देखना पड़ेगा, यहाँ तो यार कुछ है नहीं, यहाँ पे बंद है रास्ता यार, क्या करें ब्रो। ओ ये कोई आ गया, आज 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 बस क्या के आज मर गया ब्रो, तीन स्वॉर्ड मारे भाई नेदरराइट की मैंने, जम जा कर मारा भाई, ये शार्पनेस 5 लग रही है तुम्हारे भाई की स्वॉर्ड में, और फायर एस्पेक्ट 2 लग रहा है, तो थोड़ा सा एरिया बना लेता हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि आगे पिगलिंस है, अगर मैं लड़ने जाऊँ पता चले मेरे पे सारे अटैक कर दे, तो बचने की थोड़ी सी कवर होनी चाहिए ना, नहीं तो चारों तरफ से मारेंगे मेरे को। ओरे ओरे भाई, दोनों देख लिया है, सारे से देख लिया है, गोल्ड का आ रहा हूँ, चेस्ट प्लेट पहन के घूम रहा है भाई, वो आ तो गया, कोई आ रहा है आगे, आ जा आजा, रुक जा तू। ओ भाई एक वो तो चला दिया इसने, एक सीट चला दिया, रुक जा, गया भाई, गया गया ब्रो, थोड़ा सा हील करते हैं, हील नहीं यार हम तो, और लहड़ी हम क्यों आगे बच के, पर थोड़ा सा सेफ्टी से खेलना होगा, जल्दी से चलते हैं आगे। एक बुरा उसने देखा नहीं, देख लिया भाई, देख लिया, ओके आजा आजा आजा, रुक जा तू, रुक जाओ भाई, दो दो आगे क्या, रुक जाओ भाई, मर नहीं रहा यार, गोल्डन पेंट पर दो दो और आगे, इनको जल्दी मारना होगा मेरे को भाई। गए फाइनली ब्रो, गए, और अपना देख हेल्थ थोड़ी सी गई है भाई, यही फ़ायदा होता है नेदरराइट आर्मर का, एक देख रहे हो क्या मस्त सीन है। वैसे मैं भी पहली बार भाई आर्मर अपग्रेड लेऊंगा, मैंने पहली बार नेदरराइट आर्मर बनाऊंगा, मतलब कि क्रिएटिव में तो यार खेल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, सर्वाइवल में पहली बार नेदरराइट आर्मर बनाने जा रहा हूँ मैं, हाँ मतलब खुद से ये मैंने बना तो लिया है, पर ये आर्मर अपग्रेड जो टेम्पलेट थी ये मेरे को मेरे दोस्तों ने दी है, वहाँ से मिली है ना, ये सीन है। अब देखो मैं अगर मैं अपग्रेड लेके जाएंगे अगर मिल जाए तो, एक और है, एक तीर और गया भाई, एक ही तीर में चले जाते हैं यार, एक बढ़िया ही सीन है। सामने वो भाई कितने गोल्ड ब्लॉक्स हैं, और एक स्पॉनर है, वो बो से टूट जाएगा क्या स्पॉनर, ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा भाई, बो से नहीं टूट रहा स्पॉनर, अब मुझे लगता है पिकेक्स से ही तोड़ना पड़ेगा यार, नीचे जितने ये ब्लॉक्स वाले हैं इनको मारना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये मेरे को ही मार देंगे गाइस, मेरे को ही मार देंगे। अब यहाँ पे यार कुछ है ही नहीं, साइड की वॉल ही नहीं है, ये यहाँ पे मशरूम से उग रहे हैं, यहाँ पे कहीं चेस्ट होगी, गोल्डन ब्लॉक्स के आसपास ही कहीं चेस्ट होनी चाहिए, एक हाथ दिख तो नहीं रही है, मेरे को लगता है मेरे को नीचे ही जाना पड़ेगा, नीचे ही जाके मेरे को देखना पड़ेगा गाइस, नीचे ही जाके वहाँ पे पता नहीं किधर है, इस पिगलिन को मारते हैं गाइस पहले, येरा पिगलिन, आजा पिगलिन भाई, वो रहा एक पिगलिन, वाह भाई अल्लाह ही दुबक जाते हैं यार, एक तो येरा, ये मुझे लग रहा है यहीं आ रहा है, यहाँ से तोड़ के इसे मारने चलता हूँ, पहले शॉट तो ले लिया, किधर गया रे ये, नीचे है गया, और ये रो भाई कुछ तो, इन्हें बहुत से मारते हैं यहीं से, ओह दूसरा वाला है वो तो, अभी उसके मार देता तो सीन हो जाता भाई, सारे मेरे पे हमला करने लग जाते, ओके वो हाँ बुरा वाला भाई उसको मारते हैं, बुरा क्या मतलब मारता है वो हमको देख के नॉर्मली, और कोई है यहाँ आसपास है तो सही भाई, अभी ख़त्म नहीं हुए पूरी तरीके से पिगलिंस हैं, नीचे चलते हैं पहले, यहाँ पे भाई देख रहे हो भाई ये कितने सारे मॉब स्पॉन हुए पड़े हैं, ये भाई स्पॉनर की वजह से स्पॉन हुए हैं, क्योंकि इतने सारे नहीं थे अभी थोड़ी देर पहले भाई, और इन्हें भाई मारूंगा, देखो डबल हो गई, अब डबल के भाई ये चार दो गुना और हो जाएंगे, मतलब डबल है फिर ये चार हो जाएंगे भाई, देखो दो दो चार चार भाई, छोटे छोटे मार लेंगे भाई हमको, इनको पहले सारे मॉब्स को मेरे को मारना ही होगा यहाँ पे, नहीं तो यार मुश्किल होगा, मेरे को स्पॉनर किसी भी तरीके से तोड़ना होगा नीचे जाकर, और बाई चांस थोड़ी सी भी गलती हुई भाई लावा में गया, सीन बन गया भाई, सीन हो जाएगा अपने साथ, लावा ही लावा है भाई नीचे, बहुत ही गंदा सीन है नीचे का, तो बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा अभी हमें, वहाँ पे जाके देखना है कि चेस्ट होनी चाहिए गाइस, एक चेस्ट जरूर होगी वहाँ पे, इन सारे मॉब्स को मारना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं मारा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा पहले हमें, देखो भाई वो रहा इसने मेरे को देख लिया क्या, अभी नहीं देखा, ओके भाई वहाँ पे वो भी है, कोई पिगलिन आ गया, इसने मेरे को देख लिया, पर मेरे को नहीं मार पाएगा भाई तू,
ठेरे ऊपर हूँ भाई, कैसे मारेगा मेरे को? शॉर्ट गोल्डन पैंट घूम पहन के घूम रहा है रे, तेरी तो मैं लेंगा उस पैंट को रुक जा। ऐसे गोल्डन का इतना आर्मर इतना बढ़िया होता नहीं है, पर हाँ क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है इसलिए अच्छा नहीं होता, नहीं तो ओके है वैसे, क्योंकि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं भाई गोल्ड का आर्मर। देख रहे हो भाई कितने सारे हो चुके हैं छोटे छोटे, अब इन सब पे निशाना लगाना यार अलग ही सीन है। अब ऐसा भी नहीं है कि लावा बकेट फेंकूंगा ये मर जाएंगे लावा से, ये खुद लावा में रहते हैं यार, इन्हें कैसे मारा जाएगा? इन्हें तो ऐसे ही मारा जाएगा। ये आ गया, ये पिकैक्स लेके भाई, ये पिकैक्स नहीं वुडन एक्स लेके इसको मारते हैं जल्दी से। भाई ये जल्दी से मरता ही नहीं है भाई, कितने शॉट बुझा लो उसमें। अबे रुक जा तू, जो भाई कितना डैमेज दे रही है मेरे को, वो लेनी पड़ेगी क्या? थोड़ा सा फूड खा लेते हैं जल्दी से। एक वो भाई वो की वजह से मरा भाई, स्वॉर्ड कितनी स्वॉर्ड बजाई मैंने इसमें, मेरे को कितना डैमेज दे चुका है ये ऑलरेडी। और यहाँ पे यार देख रहे हो कितने सारे मॉब स्पॉन हो चुके हैं भाई, इन सबको मारना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद मैं आपसे जल्दी से मिलता हूँ। गाइज मैंने सारे यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स मार चुके हैं, अभी भी है ये रास्ता बना लिया है मैंने यहाँ पे, और ये रहा इसको मारते हैं पहले जो, नहीं तो भाई ये हमारे ऊपर कूद के हमें डैमेज देगा ये भाई। गाइज चेस्ट भी है यहाँ पे भाई, इसको मारते हैं पहले जल्दी से बो से, और बो का निशाना थोड़ा है कच्चा हो गया वो भाई, हो गए फिर से भाई। ये रहा आर बार अपग्रेड, फाइनली हमें आर बार अपग्रेड मिल चुका है यार, देख रहे हो वॉर पिक स्किन वो भी मिल चुकी है हमें एडवांसमेंट। इन सबको जल्दी से मारते हैं, अभी तो मैंने उसी में रख दिया क्योंकि बाई चांस सब में लड़ाई करते हुए मर जाऊँ, ऐसा नहीं हो तो ही सही है क्योंकि अलग ही सीन हो जाएगा। पहले स्पिगलिन को मारते हैं, ये भी गया, ये दो छोटे छुटंके से मेरे पास आ रहे हैं, इनको मारना पड़ेगा भाई। आजा आजा आजा, अबे भाई डैमेज दे दिया, किधर किधर गया गया भाई गया, हाँ भी सीन हो जाता। एक बोरा पिगलिन आस पास है भाई, पिगलिन अभी ख़त्म नहीं हुए पूरी तरीके से। जल्दी से भाई सारे सामान को लेकर चलता हूँ, और एक नेदराइट इंगट भी है भाई, बहुत बड़ी एक इंगट भाई बहुत होता है, एक इंगट बनाने के लिए 4 इंच डेब्रिज ढूंढने पड़ते हैं हमको, तो भाई एक इंगट भी बहुत बड़ी चीज़ है। और 2 इंच डेब्रिज मिल गई ये समझो, वो भी स्मेल्ट हुए हुए, अपना काम हो ही गया थोड़ा थोड़ा सा। तो हमें जल्दी से चलते हैं, एक और चेस्ट भाई यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे गोल्ड है और ऑब्सीडियन है, इनको लेकर चलेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है यही रास्ता है जहाँ से मेरी ऊपर एंडर चेस्ट होगी, इसी रास्ते पे शायद जितना मुझे याद आ रहा है, तो जल्दी से ब्लॉक्स लगा लगा के ऊपर चलते हैं इसी कोने पे से। यहाँ पे है भाई पिगलिन है आई थिंक, दूसरा पिगलिन है, ये तो अटैक कर देता अब तक मेरे पे। यहाँ से रास्ता खाली करते हैं, अभी तक तो यार कोई चेस्ट नहीं दिख रही है मेरे को, मुझे लगा ये मेरे को मारने आ रहा है पिगलिन। जल्दी से ऊपर चलते हैं, यो भाई नहीं नहीं मुझे लग रहा देख के भाई ऐसा लगता है मेरे को मारने आ रहा है, एक तो और पिगलिन जो मेरे को मार सकता है। ओ भाई चेस्ट है ऊपर, मतलब सही जगहों पर, थोड़ी सी आगे आ गया हूँ मैं, एंडर चेस्ट अपनी इधर कहीं होगी, ये भाई साइड में एंडर चेस्ट भी मिल गई। जल्दी से ऊपर चल के पहले एंडर चेस्ट में अपना सामान रखते हैं, सबसे पहले आर्मर अपग्रेड भाई, इसको रखते हैं सबसे सेफली, क्योंकि भाई सेफली रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपना। उसके बाद हम बाद में और चेस्ट को लूटने चलेंगे नीचे, इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से इसको तोड़ते हैं ब्लॉक्स को नीचे, और जल्दी से नीचे चलते हैं। और नीचे भाई अभी गोल्ड भी रह रहा है यार कितना सारा, उसको भी तोड़ना है हमको भाई, सारे गोल्ड ब्लॉक के लेके आएंगे ब्रो, सारे ग्लोबल से ब्लॉक को, इनको कुछ भी छोड़ेंगे कंगाल कर देंगे कदर यहाँ से। तो जल्दी से चलते हैं, ये अपनी यहाँ से गोल्ड उठा लेते हैं ऑब्सीडियंस, और ये इसको रहन देते हैं यार गोल्ड ब्लॉक, ये अभी लेके जाएंगे गाइस, ये वाला बढ़िया सा ब्लॉक भी लेके जाते हैं, डेकोरेशन में काम आएगा यार अपने घरों में। तो इधर किधर था यार मेरा रास्ता, इधर देख लेते हैं पहले गाइस, इधर भी कुछ हो शायद, इधर कुछ है तो नहीं यार, और कोई चेस्ट नहीं दिख रही मेरे को। यहाँ पे मेरे को आगे जाना है, एक मिनट यहाँ पे ब्लॉक लगा देता हूँ, वैसे गिरता था नहीं मैं इधर, पर फिर भी लगा रहा ही ओके रहेगा। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक सारे जल्दी से तोड़ देते हैं। अब भाई देखो इतना मैंने मॉब्स को मारा कि मेरी वो देख सकते हो आप फुली भाई, नई वो बनाई थी मैंने इनके लिए यहाँ पे स्पेशल, पूरी वो भाई ख़त्म हो चुकी है, लगभग ख़त्म सी हो चुकी है इतने मॉब्स मारे, पर ये है ना अपना रास्ता एकदम क्लियर हो चुका है, अब आराम से जा सकते हैं हम। और काफ़ी सारा हमने सामान उठा लिया है यहाँ से, सारे गोल्ड ब्लॉक, एक गोल्ड ब्लॉक रह गया अभी ऊपर, इसे भी तोड़ लेते हैं भाई, मज़े ही मज़े आ गया है, यहाँ की लूट तो हो गई भाई, जिस मेन काम के लिए आए थे वो तो अपना हो गया। और यहाँ पे एक चेस्ट और रखी है, इसका सारा सामान ले लेते हैं जल्दी से, उठा लेते हैं जो अपना मेन काम है गाइस। यहाँ पर बाद में ले जाएंगे, पहले आगे देख के आते हैं भाई, आगे भी कोई चेस्ट हो देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर कोई चेस्ट हो, यहाँ पर लावा पड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से कोई पिगलिन विगलिन हो सकता है, आसपास कोई चेस्ट मिल जाए यार, चेस्ट तो नहीं मिल रही है यार यहाँ पे कोई, इधर इधर ओ पिगलिन आ जा तू भाई, तेरे को तो बहुत ही मारूंगा मैं, रुक जा ले, दो
दो बो में चला गया। और तो यहाँ पे यार मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई है, इधर चले गया। यहाँ पे रास्ता खाली करके इधर, कोई मिनट यहाँ पे कुछ है यार? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलते हैं यार आगे चलते हैं, यहाँ पे अब कुछ है ही नहीं, वैसे तो कुछ भी नहीं है यार आसपास। एक आध चेस्ट नहीं मिली मेरे को, फिर भी गाइज मेरे को जिस काम के लिए आया था वो तो मिला। और चेस्ट में ना जल्दी से सामान उठाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है। ऐसे भूख किसको लग रही है, मेरे को नहीं लग रही। यहाँ से सारा सामान उठा लेते हैं और जल्दी से ऊपर चलते हैं। किधर से, इधर से जाना रास्ता शायद। हाँ भाई ये रहा ऊपर चेस्ट चमक रही है हमारी, चेस्ट दिख रही है तो मतलब पता ही चल जाता है अपना सामान किधर रखा है। तो भाई फाइनली हमने आर्मर अपग्रेड ले लिया, जो काफ़ी ही बड़ी चीज़ है। और ये रही अपनी चेस्ट, और पहुँचने वाली है हम अंडर चेस्ट के पास, तो इसके अंदर रख देते हैं भाई। हमारे पास 21 गोल्ड ब्लॉक्स हो चुके हैं, और जो भी काम का सामान है सारा रख देते हैं। और अब हम जल्दी से चलते हैं। तो गाइस मैं वापस घर आ चुका हूँ, और थोड़ी बहुत मैंने लूटा, और वहाँ पे एक और चेस्ट मिली थी मेरे को। और गाइस ये कुछ सामान मिला है मेरे को वहाँ से, जो गोल्डन कैरेट्स में मिल गई थी, और सामान मैंने कहीं रख दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मेरे कमेंट में बताना। और गाइस मैंने यहाँ पे नेदर वॉट भी बो रखे हैं मतलब उगा रखे हैं गाइस। ये मेरे को मिले थे गाइस वहाँ से, रेड फोर्ट्रेस से। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस अब हम जल्दी से एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने जाएंगे, जिससे हम अपना फुली नेदराइट आर्मर बनाएंगे, और हमें डायमंड की माइनिंग करने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।